किसान अपने जिद पाओगा ना तो ये सारे इनके पत्थर और ये किले दरड़ते आवांगे। पहली बार ऐसा काम हुआ है। कौन सा उग्रवादी आ रहे हैं भाई? पाकिस्तान से थोड़े चल के आ रहे हैं या यूक्रेन से आगे यहाँ जो आके भाई उग्रवादी आ रहे हैं, तुम इनको भगाओ भाई। इसी देश की जनता है, इसी देश। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं मेनका देसवाल, भाई पीछे देख सको जेसीबी भी खड़ी है और आगे देख लो मातृशक्ति खड़ी है। मोल अपना बेरा है, कितना गर्म हो रहा है। बाण खड़ी है, इस तक जाना गया। परसों चौथा बॉर्डर पर भी तनी खड़ी थी और आज ये टिटोली में खड़ी है। बेके बात है, कदे तू खनोरी दिखर, कदे तू टिटोली दिखर है। के करा बे, सरकार ने दुखी कर रखे हैं। अच्छा, सरकार तो कह रही है हम एमएसपी दे देंगे, कड़े दे देंगे। 13 महीने तो पहले बैठे आए, उस टाइम झूठा आश्वासन दे दिया कमेटी बनावांगे, एमएसपी गारंटी कानून बनावांगे। वो ना तो आज तक कमेटी बनी, कानून तो फिर बने था कड़े थे। उसके बाद दोबारा ही मजबूरी में फिर से जो हमने अपनी मांगों को मोदी के काना तक पहुंचाने के लिए ये आंदोलन शुरू कराया। आंदोलन शुरू कराया, जैसे ही कोल दी सब कुछ सील कर दिया। क्योंकि एक हिटलर राजा होता है ना, तो वो इतना डरता है कि भाई कदे वे आड़न आ जा, आड़ के बंद रहे पाड़ेंगे उन्हें। तो हिटलर इंसान है, हिटलर वाला काम कर रही है, तानाशाही सरकार है। मोदी और खट्टर इतने डर रहे हैं कि मतलब सारे बॉर्डर सील कर दिए कोल देते ही, जबकि फर्ज तो उनका ये बना था कि भाई वो देश के राजा हैं, राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा की बात सुने, कि भाई प्रजा को क्या परेशानी है, होता होगा ना यही। लेकिन ये राजा इसे हैं, अगर जनता ने उनका ना मारी सुन ले तो ये अग देखो कितने बड़े बड़े हैवी पत्थर, पत्थरों को भी आपस में तार ऐसे जोड़ के बीच में मसाला। सरकार तो करेगी, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है वीडियो जारी हुए जिसमें जो है किसान जो है नौजवान वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। कहाँ पत्थरबाजी, आप भी जा रहे थे वहाँ कवर कर रहे थे, कहीं कोई दिखा पत्थरबाजी? बे हम भी थे, हम भी वीडियो ले रहे हैं, भी मेरे पास पड़ी है, हमने तो किधर पत्थरबाजी दिखी को नहीं। हाँ, सरकार तो जो है ना पहले तो आंसू गैस के गोले उसे वो वाहन अपना नहीं नहीं ड्रोन के उसे तो बाद में पहले उसे वाहन से दाग रही थी। उसके बाद जैसे जनता 500-600 मीटर पीछे चली गई तो आंसू गैस ड्रोन के द्वारा है। कौन सा उग्रवादी आ रहे हैं भाई? पाकिस्तान से थोड़े चल के आ रहे हैं या यूक्रेन से आगे यहाँ जो आके भाई उग्रवादी आ रहे हैं, तुम इनको भगाओ भाई। इसी देश की जनता है, इसी देश के इंसान। हाँ, ऐसा थोड़ा करना चाहिए कि भाई ऐसा बुरा हाल। सरकार तो कह रही है कि इस बार है ना सबक ले रही है प्रशासन, पीछा वाली सीख तो जो किसान ने कराया। देखो सबक से ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक बात बता देते हैं, जब जनता अपनी जद पाओगी ना, किसान अपने जद पाओगा ना, तो ये सारे इनके पत्थर और ये किले दरड़ते आवांगे। अच्छा। हम उग्र नहीं होना चाहते, नहीं लगता केस कौन सा इसी चीज है भाई, केस मरण तो आगे के है, मौत से आगे कुछ नहीं होता होगा ना। हम जब मरण से नहीं डरते तो केस कौन सी चीज है भाई, लगा लो। गिरफ्तारी भी कर रही है सुने सरकारी, गिरफ्तारी हमारे 3 भाई गिरफ्तार कर रखे हैं 13 तारीख की रात को। क्या कराया था उन्होंने? कुछ नहीं कराया, जैसे हम थे वैसे ही वो थे भाई। आम जनता है, घूम रही थी, घोड़े दाग रहे थे, भाग जाए थे एक साइड में। उसके बाद उनको वहां से गिरफ्तार किया गया है और ऐसी संगीन धाराएं लगाई है, 307 जैसी धाराएं लगाई है उन भाइयों पे। हाँ, 10 धाराएं लगाई, कम से कम 10 धारा। वे उग्रवादी हैं भाई। अगर ऐसा ही कंट्रोल करना था तो 2014 में पुलवामा अटैक करवाया था, जबकि मेरा आदमी आर्मी में, मेरा बेटा आर्मी में, मुझे पता है क्या होना चाहिए। कानबाई निकलती है तो कितनी सुरक्षा की जाती है, एक यहाँ से मंत्री गुजरेगा तो 4 दिन पहले उसकी सुरक्षा में लग जाते हैं। ऐसे ही वहाँ से जब हमारी कानबाई निकलती है ना फौज की, तो इतनी सुरक्षा पुख्ता एक इंतजाम किए जाते हैं कि भाई वहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। लेकिन वहाँ सारे रास्ते खुले हुए हैं और इतनी RDX बिछाई गई है, कैसे आ गई भाई वो? तो आप क्या कहना चाहो? मैं ये कहना चाहूँ, ये जहाँ इतनी बैरिगेटिंग आड़ लगा रखी बॉर्डर पे, अगर ये पुख्ता इंतजाम उधर कर देते तो हमारे 40-22 शहीद ना होते। लेकिन सरकार ने क्या चाहिए, सिर्फ वोट, आड़ मर जाओ चाहे सारा देश। और उस टाइम वे 40 हमारे जवान इसीलिए शहीद करवाए गए थे कि इसका TRP ले लिए, वाह वाही करवा दिए बाद में और वोट ले लिए, और वो ही कराया था। और अब भी कुछ न कुछ करेंगे, इनको सिर्फ अपना वोट बैंक चाहिए है। जो ये गिरफ्तार हो इनगला बातचीत हो। हाँ, भाई का छोटा भाई मिला था और वैसे भी मेरे
किसान नेताओं से भाइयों से संपर्क होते रहते हैं। आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया है हमने, अच्छा, या तो उनको रिहा कर दे बेशरत, अच्छा जी, कतिबरी कर दे, और नहीं तो खटखट टोल तो आज फ्री हो लिया, कल ही खटखट टोल से जो है धरना चालू हो लिया, कल मकड़े वाली वाले टोल ना हम फ्री कर देंगे और परमानेंट फ्री कर देंगे। अच्छा जी। जब तक मारे भाई रिया नहीं होंगे, जब तक मारे भाई अक्षय नरवाल और एक भाई मदीने का, एक कैथल का, नाम तो मेरे ध्यान नहीं क्योंकि जो रहा, तीनों भाइयों को और सबसे पहले दोनों भाइयों को, उसके बाद साथ साथ में तीसरे भाई अक्षय नरवाल को, क्योंकि वो हमारा नेता, नेता का फर्ज होता है कि हम बाद में पहले मारे भाई जो हमारे साथ चल रहे हैं उनको, तीनों को आज रात तक, चाहे रात ने खोलो अपनी कोर्ट, जैसे पहले एक बार भाई विकास सीसर और कौन सा रवि आजाद या कौन सा था वो रिया करे थे, रात को ही कोर्ट खोल गए, ऐसे ही आज रात को कोर्ट खोलने पड़ा चाहे रिया कर दे, और ना तो जो हम मकड़ोली टोल पहले ही बता देते हैं प्रशासन वाले भाई सुनते हो तो उड़ा बेशक पहुंच जाइयो, तड़के जो है ना मकड़ोली टोल ने फरी करवा देंगे, चाहे हम 10 आदमी जा, चाहे 20 जा, चाहे 50 जा, आप कानून हाथ में ले, कड़े कानून हाथ में ले, हाँ बेबे कड़े कानून हाथ में ले ले, कानून हाथ तो ये सरकार ले रही है, रोड बंद कर रखी है, मारी तो एक गाड़ी आड़े रोड पे खड़ी हो जाना 10 मिनट, हम न्यू जी एक एक वो ले आवा, हाँ बिस्कुट का पैकेट न्यू, ना 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 आपने व्यवस्था खराब कर दी, वो व्यवस्था तो वह खराब हो रही है, वो रोड सारे सील कर रखे, लाखड़ माजरे का भाई आ रहा था आज, बिरसम लेन नहीं जा सकते क्योंकि उनके खेत इस तरफ है नर इस तरफ, पशुओं ने क्या खिलाए, बहुत बड़ी समस्या है ये उन किसानों के लिए, जहाँ इलाका इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों कर रखी है बताई तो थी, डर रहे हैं डर रहे हैं, राजा ऐसा होना चाहिए निडर और प्रजा की बात सुन ले वाला, लेकिन ये रांडे हैं, रांडे ने के बेरा दुख दर्द का, के बेरा गृहस्थी का, के बेरा परिवार का, इन्होंने सिर्फ अपने पूंजीपति देखे हैं और पूंजीपतियों के अलावा इनको कुछ नहीं दिखाई देता। वार्ता जो है हो चुकी है बिल्कुल, कल जो है मतलब फ्रेश वार्ता हुई थी, हाँ जी, उसका क्या नतीजा रहा? उसका नतीजा बताया था अभी, 5 फसलों पे MSP की सहमति जताई है, आप लोग उन पे ना क्यों कर लेंगे, 5-4 तो गुजारा हो, 3 फसल तो हमारा होती भी कोनी, मारा एक कपास हो वह भी आधे एरिए में हो, क्या करोगे लास्ट में बताओ आप, लास्ट में ये कल 11 बजे तक का टाइम दे रखा है, अच्छा जी, या तो सरकार फिर से वार्ता करके न और सहमति बना ले सारी मांगा पे और लिखमत में गारंटी देके, और नहीं तो फिर 11 बजे के बाद 21 तारीख को कोई बड़ा फैसला लेंगे, अच्छा जी, हाँ, और जैसे ही कॉल आएगी उस पर हम फूल चढ़ाने का काम करेंगे। बाकी एक आध बात और सुनने में आई है कि किसान में भी एक का कोने बोले नहीं नहीं चौधरी हो रहे हैं, ना 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 ऐसी बात नहीं है बेबे, अच्छा जी, सब एक परिवार बड़ा हो जाता है तो सारे के विचार तो परिवार में भी ना मिलते, लेकिन जब एक भाई का अंगड़ी कट्टा है ना उड़ा सारे खड़े हो, दर्द सारे को हुआ है, सारे एक हो सारे एक हार एक रांगे। बाकी आपने लगा लास्ट में एक सवाल पूछूंगी कि इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था में भेद कब दिल्ली जस को हो, दिल्ली हरगज जाएंगे, क्यों कर जाओगे, चाहे क्यों करे भी जा, लेकिन जब हमने ठान लेंगे ना दिल्ली जाना है तो ये हमने कुछ नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है, दिखा है इन तो उन पत्थर लगा रहे, खेर ये मारिए हर इन तो पाड़ते लेवांगे, देख ले भाई अपना शुभ नाम एक बार बता दे, मेरा नाम गीता अलाउत BKU जिला अध्यक्ष रोहतक, देख ले भाई सीधा सीधा कहना है सरकार या तो काल तक जो मांग मान ले नहीं, 21 तारीख ना बहुत बड़ा फैसला जो है किसानों की तरफ आने वाला है। बाकी गिरफ्तारी की बात करें कि 3 जो है किसान जो है गिरफ्तार हुए हैं हरियाणा क्षेत्र से, उनको जो है बाइज्जत बरी कर दे, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो है किसानों का जो है सीधी सीधी मांग है, नहीं तो फिर जो है ये कह रहे हैं कि सदा खातर मकड़ोली टोल हम फ्री करवा देंगे, कल फ्री करवा देंगे अगर आज रिया नहीं करे तो भाई, यार भाई वीडियो की जिला की इनके विचारों के बारे में क्या कहना चाहो वो भी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना, मन्ने दे, जय हिंद जय।